हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 6। और इस पाठ का शीर्षक है अब्बू खान और बकरी। बच्चों, ये एक बहुत ही रोचक सी कहानी है, रोचक सी कथा है। और मैं आशा करती हूँ कि कहानी आपको, ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इससे पहले हमें कुछ इससे शिक्षा के बारे में से समझना है। यह एक रोचक कहानी है, हमें इस कहानी के बारे में समझना है कि कैसी कहानी है। यह एक रोचक कहानी है जो बताती है कि प्रत्येक प्राणी आज़ादी से रहने का प्रबल इच्छुक होता है। भले ही उसे बंधन में हर सुविधा मिले, किंतु उसे जीवन में भी, जीवन से भी अधिक स्वतंत्रता प्यारी होती है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे, उनका नाम था अब्बू खान। उन्हें बकरियाँ पालने का बड़ा शौक था। अकेले आदमी थे, बस एक दो बकरियाँ रखते, दिन भर उन्हें चराते फिरते और शाम के वक्त घर में बांध देते। अल्मोड़ा पहाड़ी जगह है, इसलिए अब्बू खान की बकरियाँ भी पहाड़ी नस्ल की थी। अब्बू खान गरीब थे, बड़े बदनसीब। उनकी सारी बकरियाँ कभी ना कभी रस्सी तोड़ाकर रात को भाग जाती थी। पहाड़ी बकरियाँ बंधे बंधे घबरा जाती थी। ये बकरियाँ भागकर पहाड़ में चली जाती थी और वहाँ एक भेड़िया रहता था, वह उन्हें खा जाता था। ना अब्बू खान का प्यार उन बकरियों को भागने से रोकता था और ना ही भेड़िए का डर, यानी कि उन बकरियों को जाने का इतना रहता था, उनके ऊपर कोई भी, उनको लगता ही नहीं था कि अब्बू खान हमें इतना प्यार कर रहा है, और ना इन्हें भेड़िए का डर लगता था, और वो फिर भी भाग जाती थी। और वहाँ पे भेड़िया था, वो उनको खा जाता था। फिर क्या हुआ, एक दिन अब्बू खान की समझ में नहीं आता था कि उन हरी हरी घास में मैं उन्हें खिलाता हूँ, छुप छुप कर पड़ोसियों के धान के खेत में भी उन्हें छोड़ देता हूँ, शाम को दाना देता हूँ, मगर ये नहीं ठहरती और पहाड़ में जाकर भेड़ियों को अपना खून पिलाना पसंद करती हैं। जब अब्बू खान की बहुत सी बकरियाँ एक के बाद एक भाग गई तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब कभी बकरी नहीं पालूंगा। थोड़े ही दिन में तो अब्बू खान बिना बकरियों के रहे, आखिर रहा ना गया, उनसे फिर रहा ही नहीं गया। और एक दिन कहीं से एक बकरी मोल ले आए। यह बकरी अभी क्या थी, बच्चा ही थी, कोई साल सवा साल की होगी, वो इतनी छोटी थी। अब्बू खान ने सोचा, उन्होंने क्या सोचा बच्चों, उन्होंने सोचा कि कम उम्र की बकरी लूँगा तो शायद ये हिल मिल जाए, और उसे जब पहले से ही अच्छे चारे और दाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर ये पहाड़ का रुख ना करेगी। यह बकरी थी बहुत खूबसूरत, रंग बिल्कुल सफ़ेद था और बाल लंबे लंबे थे, छोटे छोटे काले सींग ऐसे मालूम होते थे कि किसी ने आबनूस की काली लकड़ी में खूब मेहनत से तराश कर बनाए हों। लाल लाल आँखें, तुम देखते तो कहते कि अरे ये बकरी तो हमने ले ली होती, मतलब वो बकरी इतनी सुंदर थी, उसकी लाल लाल आँखें थी, लंबे लंबे जो थे उसके सफ़ेद बाल थे और बहुत ही सुंदर बकरी थी। तो फिर क्या हुआ बच्चों, यह बकरी देखने में ही अच्छी ना थी, स्वभाव की भी अच्छी थी। वो देखने में अच्छी नहीं थी, वो दोनों, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, प्यार से अब्बू खान के हाथ चाटती थी। अब्बू खान तो उस पर लट्टू हो गए। उसका नाम उन्होंने क्या रखा, उसका नाम उन्होंने चांदनी रखा और दिन भर उससे बातें करते रहते। अपनी इस चांदनी बकरी के लिए अब्बू खान ने नया इंतज़ाम किया था। घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था, उसके बीच में चांदनी को बांधते थे और रस्सी खूब लंबी कर रखी थी कि खूब इधर उधर घूम सके। अब्बू खान को यकीन हो गया कि एक बकरी तो कम से कम हिल मिल गई है और अब ये ना भागेगी। अब्बू खान को विश्वास हो गया
कि ये बकरी तो अब हिल मिल गई है और ये बकरी ये कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं भागेगी। अच्छी लग रही है ना, रोचक लग रही है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। मगर अब्बू खान धोखे में ही थे, उनको धोखा ही हुआ। आज़ादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल से नहीं मिटती। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज अभी पहाड़ के पीछे ही था कि चांदनी ने पहाड़ की तरफ नज़र की और दिल में कहा, वह पहाड़ की चोटियाँ कैसी हसीन है। मतलब उसको लगा कि पहाड़ की चोटियाँ कितनी हसीन है, वहाँ की हवा का क्या मुकाबला, फिर वहाँ उछलना कूदना ठोकरे खाना और यहाँ हर वक्त बंधे रहना। ये कौन सोच रहा है, ये चांदनी सोच रही है। गर्दन में 8 पहर का एक कम्बखत रस्सी, ऐसे घेरों में तो गधे और खच्चर भले ही चुगले, हम बकरियों को तो ज़रा बड़ा मैदान चाहिए। इस सपने का आना था और चांदनी अब पहली चांदनी ही न थी, वो पहले वाली चांदनी नहीं थी जो छोटी सी थी और बंधी रहती। अब उसका भी मन मचलने लगा कि मैं भी बाहर जाऊं। हर वक्त मुंह पहाड़ की तरफ रहता और रस्सी को खींचती और अजीब दर्द भरी आवाज़ में मैं चिल्लाती। एक दिन सुबह चांदनी ने उनकी तरफ मुंह फेरा और अपनी ज़ुबान में कहा, अब्बू खान मियाँ तुम मुझे पहाड़ में चले जाने दो। अब्बू खान वहीं घास पर बकरी के पास बैठ गए और उदास आवाज़ में पूछा, क्यों बेटी चांदनी तू भी मुझे छोड़ना चाहती है। ये किसने पूछा, अब्बू खान ने चांदनी से पूछा कि क्या तू भी मुझे छोड़ना चाहती है। तो फिर क्या हुआ, चांदनी ने जवाब दिया, हाँ अब्बू मियाँ चाहती हूँ। अरे तो क्या मुझे चारा नहीं मिलता या दाना पसंद नहीं है। तो अब्बू खान ने कहा, तो क्या तुझे चारा नहीं मिलता या तुझे दाना पसंद नहीं है। नहीं नहीं मियाँ, मुझे दाने की कोई तकलीफ़ नहीं है, चांदनी ने जवाब दिया। तो फिर क्या रस्सी छोटी है और मैं और लंबी कर दूँ, चांदनी बोली, कुछ नहीं बस आज़ाद कर दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे जाने दो। अब्बू खान ने कहा, अरे तुझे ये भी खबर है कि वहाँ भेड़िया रहता है, वह जब आएगा तो क्या करेगी। चांदनी ने जवाब दिया, अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं उनसे मारूंगी, मेरे को जो 2 सींग दिए हैं अल्लाह ने मैं उससे भेड़िया को मारूंगी। लेकिन फिर हाँ हाँ जरूर, अब्बू खान बोले भेड़िए पर सींगों का ही तो असर होगा, तू तो कल्लू को जानती नहीं, वह पिछले साल मेरे पास थी, बकरी क्या थी, हिरनी थी, हिरनी रात भर सींगों से भेड़ियों के साथ लड़ी, मगर सुबह होते होते उसने दबोच लिया और खा गया। ये किसने, अब्बू खान ने चांदनी को समझाया। चांदनी ने कहा, अरे रे रे बेचारी कल्लू, मगर अब्बू खान मियाँ उससे क्या होता है, मुझे आज़ाद कर दो। अब्बू खान कुछ झुंझलाए और बोले, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे बचाऊंगा, अब तो तेरा इरादा मालूम हो गया है, अच्छा बस चल तुझे कोठरी में बांधा करूंगा, अब मैं तुझे कोठरी में बांधा करूंगा, नहीं तो मौका पाकर तू चल देगी। अब्बू खान ने चांदनी को एक कोठरी में बंद कर दिया और ऊपर से जंजीर चढ़ा दी, मगर गुस्से और झुंझलाहट में कोठरी की खिड़की बंद करना, मतलब इतने गुस्से में थे कि कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई, उधर चांदनी उचक कर खिड़की में से बाहर, और वो फौरन बाहर चली गई। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पहाड़ों पर पेड़ उसने पहले भी देखे थे, लेकिन आज उनका और ही रंग था। उसे ऐसा मालूम होता था कि सबके सब खड़े हुए उसे बधाई दे रहे हैं कि फिर हमें आ मिली। मालूम होता था कि सारा पहाड़ खुशी के मारे मुस्कुरा रहा है और अपनी बिछड़ी हुई बच्ची के वापस आने पर फूला ना समाता, ना चारों तरफ कांटों की बाड़ और ना खूंटा ना रस्सी। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसे लगा था वाह मैं कितनी अच्छी जगह आ गई हूँ, सारे पहाड़ इतने सुंदर, ना खूंटा है ना रस्सी है, ठंडी हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है ये पहाड़ बहुत मुझे देख के खुश हो रहे हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल आज़ाद थी।
चांदनी कभी इधर उछलती कभी उधर, यहाँ से कूदी वहाँ फांदी, कभी चट्टान पर कभी खड्डे में, इधर जरा फिसली फिर संभली एक चांदनी के आगे से, सारे पहाड़ में ऐसा लग रहा था जैसे रौनक सी मालूम होती थी। पहाड़ के नीचे से एक सीटी और बिगुल की आवाज़ आई। ये बेचारे अब्बू थे जो आखिरी कोशिश कर रहे थे। उसे सुनकर चांदनी फिर लौट आए। वो बेचारे उसे बुला रहे थे कि चांदनी आ जाए। वे कह रहे थे लौट आ लौट आ। चांदनी के जी में एक बार तो आया, उसके जी में आया कि वो लौट चले, लेकिन उसे क्या याद आ गया, खूंटा याद आया। और उसने सोचा गुलाम जिंदगी से तो आज़ादी की मौत अच्छी। सीटी और बिगुल की आवाज़ बंद हो गई, पीछे के पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो क्या देखा, दो कान दिखाई दिए सीधे खड़े हुए और दो आँखें जो अंधेरे में चमक रही थी, जो अंधेरे में चमक रही थी, दो आँखें और दो कान जो कि अंधेरे में चमक रहे थे। और फिर क्या हुआ, भेड़िया ज़मीन पर बैठा था, बकरी ने उसकी तरफ रुख किया तो वह मुस्कुराया और बोला ओहो अब्बू खान की बकरी है, खूब खिला पिला कर मोटा किया है। यह कहकर उसने अपनी लाल लाल जुबान नीले नीले होठों पर फेरी। आ गया भेड़िया। चांदनी को कल्लू का किस्सा याद आया जो अब्बू खान ने उसे बताया था और सोचा कि मैं क्यों रात भर लड़कर जान दूं, अभी क्यों ना अपने को भेड़िए के सुपुर्द कर दूं। लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, अपना सिर झुकाया, सींग आगे को किए और पैतरा बदलकर भेड़िए के मुकाबले में आई कि बहादुरों का यही तौर तरीका है। वह खूब जानती थी कि बकरी भेड़िए को नहीं मार सकती। फिर तो वह सिर्फ चाहती थी कि अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबला ज़रूरी है और उसने मुकाबले के लिए वो तैयार हो गई। जी में ये सोचती थी कि देखूं कि कल्लू की तरह रात भर मुकाबला कर सकती हूँ या नहीं। जब कुछ देर जब गुजर गई तो भेड़िया बढ़ा, फिर भेड़िया उसके आगे बढ़ा। चांदनी ने भी सींग संभाले और वह हमले किए कि भेड़िया का जी जानता होगा। दसियों बार उसने बकायदा भेड़िए को पीछे ठेल दिया। सारी रात इसी में गुजरी। कभी कभी चांदनी ऊपर आसमान की तरफ देख लेती और सितारों से आंखों आंखों में कह देती कि ए काश इसी तरह सुबह हो जाए। वो क्यों कह रही थी, जैसे जैसे सुबह होगी वो भेड़िया भाग जाएगा। और फिर क्या हुआ बच्चों, फिर देखते हैं क्या हुआ। सितारे एक एक करके गायब हो गए। चांदनी ने आखिरी वक्त में अपना जोर दुगना कर दिया। भेड़िया भी क्या हो गया था, तंग आ गया था। एक मुर्गे ने बांग दी। नीचे बस्ती में मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। चांदनी ने दिल में कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपने बस भर मुकाबला किया, मैंने बहुत मुकाबला किया, अब तेरी मर्जी। मुअज्जिन आखिरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कह रहा था कि चांदनी बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसने बहुत मुकाबला किया, आखिरी दम तक लड़ी, लेकिन फिर वो आखिरी में वो बेदम होकर ज़मीन पर गिर गई। उसका सफ़ेद बालों का लिबास खून से बिल्कुल सुर्ख था। भेड़िए ने उसे दबोच लिया और खा गया। ऊपर पेड़ पर बैठी चिड़िया सब देख रही थी। उनमें इस पर बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। सब कहती हैं कि भेड़िया जीता। एक बूढ़ी सी चिड़िया थी, वह जीत पर अड़ी रही, रहीस नहीं चांदनी जीती। क्यों, कि उसने अपने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक उसने भेड़िए का मुकाबला किया। तो बच्चों ये थी आज की एक पाठ, आज की कथा, जिसको लिखा था जाकिर हुसैन ने। और अब इस कहानी का नैतिक मूल्य क्या है, गुलाम बनकर जीने से अच्छा मौत को गले लगाना है। और अब आ रहे हैं कठिन शब्दों के अर्थ। बदनसीब यानी बुरी किस्मत वाला, हसीन यानी सुंदर, मुताबिक के अर्थ है अनुसार, ख्वाहिश का अर्थ है इच्छा, रौनक का अर्थ है शोभा और सुपुर्द का अर्थ है हवाले। और अब हम करेंगे
सही विकल्प पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले है प्रस्तुत कहानी के लेखक जाकिर हुसैन, राधा कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद या इसमें से कोई नहीं, इसके लेखक हैं जाकिर हुसैन। बड़े मियाँ रहते थे हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल या मसूरी। बड़े मियाँ रहते थे अल्मोड़ा। बकरी की आंखें थी लाल, हरी, नीली या काली। बकरी की आंखें थी लाल। अब्बू खान ने बकरी को बंद कर दिया कोठरी में, संदूक में, गैराज में, इनमें से कोई नहीं। अब्बू खान ने बंद कर दिया था उसको कोठरी में। और अब चल रहे हैं हम, अब हम करेंगे रिक्त स्थान बैठेंगे करेंगे। रिक्त स्थान में है ऊपर बैठी, कौन देख रही थी? ऊपर बैठी चिड़िया। ऊपर बैठी चिड़िया देख रही थी। भी तंग आ गया था, कौन तंग आ गया था? भेड़िया। वो भी लड़ते लड़ते बहुत तंग आ गया था। को कल्लू का किस्सा याद आया, किसको? चांदनी को। चांदनी को कल्लू का किस्सा याद आया। उनकी सारी कभी ना कभी रस्सी तोड़वाकर भाग जाती थी, कौन? बकरियां। उनकी सारी बकरियां कभी ना कभी रस्सी तोड़ाकर भाग जाती थी। तो अभी हमने करे रिक्त स्थान, और अब है इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आजादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल से नहीं मिटती। मतलब जो जिनको बांध के रखते हैं, जिनको गुलाम बना के रखते हैं, उनके अंदर एक आज़ादी की इच्छा होती है कि हम भी इन सब चीज़ों को, जंजीरों को तोड़ें और हम आज़ाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, घूमें। तो इसकी जो इच्छाएं होती है ये इतनी जल्दी हमारे दिल से ख़त्म नहीं होती। हमारा मन करता रहता है कि हम भी किसी तरह, जो इन्होंने बांध के रखा हुआ है, हमें बंद करके रखा है, हम इससे बाहर निकले और खूब स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। तो इस ये चीज़ हमारे आसानी से किसी के दिल से नहीं हटती है, उसके दिल में रहती है कसक कि हम क्यों बंधे हैं, हम जाएं, हम बाहर निकलें। तो यह है इसका आशय। और गुलाम जिंदगी से तो आज़ादी की मौत भली। मतलब कि अगर हम गुलाम बने हुए हैं, हम किसी के अंडर में हैं, हमें किसी ने बांध के रखा है, उससे तो अच्छा है कि हम आज़ाद हो जाएं, चाहे हमें मौत ही क्यों ना आ जाए। तो ये है इसका आशय। गुलाम जिंदगी से तो आज़ादी की मौत। हम आज़ाद हो के मरें, स्वतंत्र हो के मरें, लेकिन चाहे हम गुलाम ना रहें, चाहे हमें कितनी भी हमें ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही हों, लेकिन आज़ादी की मौत जो होती है वो गुलाम जिंदगी से, बंधी हुई जिंदगी से ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये था इसका आशय। और अब आ रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। बच्चों ये बहुत ही आसान से प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे। और मैं आशा करती हूँ आपको आज का पाठ बहुत रोचक लगा होगा। इसके साथ ही हम नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।